हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक लोदी वंश, यानी हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। और जो चार वंश हैं दिल्ली सल्तनत के वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोदी वंश के बारे में, जिसमें जो भी लोदी वंश के शासक हैं बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और देखिए, ये जो टॉपिक है ये हमको आगे पढ़ने हैं, जो ब्लू वाले टॉपिक हैं। और जो रेड टॉपिक है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी सैयद वंश के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स थे वो भी हम कवर कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोदी वंश के बारे में। और इस प्रकार से हमारी जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, ये दिल्ली सल्तनत जो बेस्ड है पूरी तरीके से पांच वंश को मिलाकर ही ये दिल्ली सल्तनत बनती है, हम कई बार आपको बता चुके हैं। और इसमें जो भी ग्रीन वाले वंश दिए हुए, जो भी डायनेस्टी रही ये जो ग्रीन पार्ट में है, ये सभी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेडाइवल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर ये सभी क्लासेस आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी। और आज हम पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में और हमारी दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगी। तो देखिए, सैयद वंश के बाद हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो आराम शाह एक शासक था सैयद वंश का, और उसने यानी आलम शाह नाम से एक शासक था सैयद वंश का, जिसने अपना सिंहासन समर्पित कर दिया था किसे, बहलोल लोदी को समर्पित कर दिया था कि अब आप ही सत्ता चलाइए। और वैसे भी हमने आपको बताया था सैयद वंश का कोई भी अस्तित्व नहीं है दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि उसको फ्री में ही सिंहासन मिला था और फ्री में ही उसने दान भी कर दिया, और कोई भी उनकी इच्छा नहीं थी यहाँ पर शासन करने की। बट उनका जो शासन है, कई सारे शासक वो यहाँ पर शासन करते रहे। तो फिर बहलोल लोदी को उसने अपना सिंहासन समर्पित कर दिया था, और बहलोल लोदी ने फिर यहाँ पर लोदी वंश की स्थापना की। और लोदी वंश का जो टाइम पीरियड है ये 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा, और जो लोदी वंश का शासन है। और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश ये है, यानी अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है, तो वो है लोदी वंश। यानी लोदी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और फिर शुरुआत होती है मुगल वंश की। तो इसीलिए इसको माना जाता है अंतिम शासक, यानी अंतिम वंश दिल्ली सल्तनत का। और बहलोल लोदी को माना जाता है संस्थापक ऑफ लोदी वंश। तो बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश की स्थापना की थी, क्योंकि इसने बहुत सारा कार्य किया था सैयद वंश के दौरान, और वहाँ के जो शासक थे उन्होंने ही इसे ये सत्ता समर्पित कर दी थी। तो संस्थापक माना जाता है लोदी वंश का बहलोल लोदी को। और बहलोल लोदी का जो शासन काल रहा वो 1451 से 1489 ईस्वी तक बहलोल लोदी ने शासन किया, और ये पहला शासक था जिसने अफगानी सत्ता को भारत में स्थापित किया। तो अभी तक हम देख रहे थे 712 ईस्वी में जब भारत में मुस्लिम इन्वेजन हुआ, तो वहाँ पर अरब शासक आए सबसे पहले, यानी मोहम्मद बिन कासिम एक अरब शासक था और उसने शासन किया। और उसके बाद फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर तुर्क शासकों का यहाँ पर सिलसिला शुरू होता है, जिसमें आप हमने जो पढ़ा था गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, और गौरी का ही गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। तो ये सभी जो शासक हुए ये सभी तुर्क शासक थे, यानी सबसे पहले अरब शासक भारत आए और फिर तुर्क का शासक बना रहा पूरे दिल्ली सल्तनत में। बट ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा वंश है, यानी जो अंतिम वंश है लोदी वंश है, ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा वंश है जिसमें अफगानी सत्ता को स्थापित किया गया बहलोल लोदी के द्वारा। तो ये एक ऐसा शासक था जिसने अफगानी सत्ता को भारत में स्थापित किया, बट ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी, क्योंकि लोदी वंश के बाद ही मुगल वंश की यहाँ पर स्थापना हो जाएगी, और फिर मुगल्स का शासन बहुत दिनों तक आपको देखने को मिलेगा, यानी कई कई सालों तक मुगल वंश का शासन आपको देखने को मिलेगा, और उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, बहलोल लोदी ने क्या किया, ज़्यादा कुछ कार्य इसके द्वारा किया नहीं गया, इसने अपने नाम से बहलोली सिक्के चलवाए, और फिर ग्वालियर अभियान से एक बार ये लौट रहा था, तो लौटते समय इसकी मृत्यु हो गई ग्वालियर अभियान से लौटते समय। तो ये इसका शासन काल रहा 1489 ईस्वी तक बहलोल लोदी, इसे माना जाता है संस्थापक ऑफ लोदी डायनेस्टी। उसके बाद फिर शासन आता है सिकंदर लोदी का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक ऑफ लोदी वंश। तो ये लोदी वंश का इंपॉर्टेंट शासक था, जैसे हमने देखा खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और उसके अलावा अन्य जो वंश रहे जिनके मुख्य शासक रहे, उसी प्रकार से यहाँ पर सिकंदर लोदी आपको मुख्य शासक के रूप में देखने को मिलेगा लोदी वंश में। और इसका जो शासन काल रहा वो रहा 1489 ईस्वी से
1517 ईस्वी तक। तो ये इसका शासन रहा सिकंदर लोदी का, और कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क इसके शासनकाल में हुए, इसलिए ये शासक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए इसी के शासनकाल में यानी सिकंदर लोदी का ही शासन भारत में था, तभी 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था, यानी हम ये कह सकते हैं पुर्तगाली जो यानी शासन हुआ भारत में, बाद में आप देखेंगे पुर्तगाल का शासन रहा भारत में, और पुर्तगाली यानी आना शुरू हो गए थे, विदेशी कंपनियां आना शुरू हो गई थी 1498 से। तो सबसे पहले वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, यानी 1498 को ये भारत पहुंचा था वास्को डिगामा, और ये उस समय सिकंदर लोदी का ही यहाँ पर शासन हुआ करता था। बट जो हम देखेंगे प्रभाव फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है मुगल काल में, फिर यहाँ पर विदेशी यूरोपीय कंपनियों का शासन भारत में हो जाता है, देखने को हमको यहाँ पर मिलता है। और इसका जो मूल नाम हुआ करता था यानी सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम था इसका निजाम खां। निजाम खां इसका मूल नाम हुआ करता था, और ये एक कवि भी था, यानी कई सारी बुक्स इसके द्वारा लिखी गई हैं सिकंदर लोदी के द्वारा, जिनमें हमको इसकी बुक के बारे में भी देखना है। तो इसने एक बुक लिखी थी लज्जत ए सिकंदर शाही, तो देखिए नाम में ही सिकंदर है तो आप राइटर बता देंगे, बट ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है यानी किस विषय पर ये बुक लिखी गई है, तो ये जो लज्जत ए सिकंदर शाही बुक है ये लिखी गई है म्यूजिक पर, यानी म्यूजिक से रिलेटेड ये बुक है लज्जत ए सिकंदर शाही। फिर इसने एक बुक लिखी थी फरहंग ए सिकंदरी, फरहंग ए सिकंदरी इसने बुक लिखी थी, और ये जो बुक है ये किसकी बुक है, ये बुक है चिकित्सा से रिलेटेड यानी औषधि से रिलेटेड, ये एक बुक इसके द्वारा लिखी गई थी फरहंग ए सिकंदरी। और उसके अलावा इसने एक भूमि माप के लिए एक पैमाना भी चलाया था जिसे कहते हैं गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी ये भूमि नापने का एक पैमाना हुआ करता था, और एक गज ए सिकंदरी 30 इंच के बराबर होता था, यानी 30 इंच बराबर एक गज ए सिकंदरी। तो ये एक पैमाना था भूमि माप का जो सिकंदर लोदी के द्वारा चलाया गया था। और उसके बाद इसके कुछ अन्य वर्क भी हैं, यानी इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आगरा शहर की स्थापना किसने की, क्योंकि बात आती है दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत का मतलब ही है कि सभी की जो राजधानी रही यानी जो भी वंश दिल्ली सल्तनत में आए सभी की राजधानी दिल्ली ही रही, इसीलिए उसको नाम दिया गया दिल्ली सल्तनत का। तो सभी की राजधानी दिल्ली थी, बीच में देखने को मिला हम कुछ शासकों के द्वारा जिसे सीरी राजधानी बीच में बनाई गई, बट वो दिल्ली के आसपास ही थी, दूसरी दिल्ली उसे कहा जाता है सीरी को। बट जो नया यहाँ पर परिवर्तन आता है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1504 ईस्वी में इस सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की जाती है, और जैसे ही इसकी स्थापना की जाती है फिर ये जो राजधानी है यानी सिकंदर लोदी अपनी जो राजधानी है ये दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर देता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली से आगरा जो राजधानी है वो किसने बनाई, तो ये बनाई सिकंदर लोदी ने, और आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो भी सिकंदर लोदी ने ही की थी। और अब आप आगे देखेंगे कि जो बाबर आता है उसने भी आगरा पर ही शासन किया, फिर आगरा से ही जो मुग़ल वंश है उसका शासन चलता रहेगा, और इसीलिए आपको आगरा में कई सारी जो चीज़ें हैं मुग़ल काल से रिलेटेड वो देखने को मिलेगी, जिनमें आपका लाल किला हो, ताजमहल हो, ये सभी जो चीज़ें हैं, कई सारी मस्जिद हों, वो सभी आपको आगरा में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिर मुग़ल वंश का जो मुख्य केंद्र रहा वो आगरा ही रहा, क्योंकि कई सारे जो इम्पोर्टेंट शासक हैं यानी कि अकबर से शाहजहाँ और उसके बाद औरंगजेब तक सभी ने आगरा से ही शासन किया, दिल्ली से शासन फिर किसी ने नहीं किया। और इसीलिए दिल्ली के आगरा के पास जो शहर स्थित है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर भी कई सारे निर्माण अकबर के द्वारा कराए गए। तो अब यहाँ से आगरा मुख्य सिटी हो जाएगा दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली सल्तनत भी कंप्लीट हो रही, तो मुग़ल वंश में आपको आगरा को, आगरा का जो वर्णन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको इससे याद रखना है। और इसने फिर ताजिया जो एक यानी इसने ताजिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, और ये करने वाला ये सिकंदर लोदी ही था, और इसका एक वजीर था यानी सिकंदर लोदी का एक वजीर था मियाँ भुआ, और इसने भी एक बुक लिखी है, और दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो ऊपर जो बुक थी वो थी फरहंग ए सिकंदरी, और ये है तिब ए सिकंदरी। तो तिब ए सिकंदरी जो बुक है ये लिखी गई है मियाँ भुआ के द्वारा, जो कि वजीर था, यानी हम एक प्रकार से ये कह लें कि मंत्री था सिकंदर लोदी का, और इसके द्वारा ये बुक लिखी गई है औषधि से रिलेटेड।
तो ये इम्पोर्टेंट वर्क थे सिकंदर लोदी के द्वारा किए गए, और इसकी फिर मृत्यु हो जाती है, यानी इसे एक गले की बीमारी थी जिसके वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर लोदी की। और उसके बाद जो शासन में आता है वो है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का इसके बाद शासन आता है, और इसने शासन किया 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। और ये सन भी हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो ईयर है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है अभी लेटेस्ट में ही एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में कि जो इब्राहिम लोदी है वो कब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, यानी जब शासन कब रहा, इब्राहिम लोदी के शासन की शुरुआत कब होती है, तो 1517 ईस्वी वहाँ पर उसका सही आंसर होगा। इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है वो 1517 से शुरू होता है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है इब्राहिम लोदी क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हुआ, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो इसे माना जाता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, अंतिम वंश लोदी वंश हुआ, और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, यानी इब्राहिम लोदी के बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से पतन हो गया, यानी ख़त्म ही हो गया, मुगल वंश की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक माना जाता है इब्राहिम लोदी को, और उसके बाद लोदी वंश का भी ये अंतिम शासक है। तो लोदी वंश सबसे अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का, और लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो हुआ वो इब्राहिम लोदी हुआ। तो ये भी बात आपको इसमें याद रखनी है। और इसने खतौली का युद्ध भी इसने लड़ा था, किसके साथ, राणा सांगा के साथ इसका एक युद्ध हुआ था, खतौली का युद्ध जो नाम से जाना जाता है। तो ये रिलेटेड है इब्राहिम लोदी से। और फिर इसके कुछ चाचा थे जिसमें दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, दो इसके चाचा थे दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया, यानी बाबर जो कि एक मुग़ल शासक था, और बाबर को इसने निमंत्रण दिया, इनके जो चाचा थे इब्राहिम लोदी के दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, बाबर को निमंत्रण दिया कि आप भारत में आक्रमण करें। और यही बाबर को निमंत्रण देना ही इनको महंगा पड़ गया, और बाबर ने यहाँ पर इंडिया में अटैक किया। और 1526 में एक इम्पोर्टेंट वार होता है, इम्पोर्टेंट युद्ध होता है, जिसे इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। वैसे पानीपत के आपको तीन युद्ध देखने को मिलेंगे, बट अभी हमको यहाँ पर एक के बारे में पढ़ना है, फिर आगे जैसे ही और भी जो युद्ध आएंगे पानीपत से रिलेटेड उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो पानीपत का युद्ध है किसके बीच लड़ा गया, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, और ये जो और जो इनके बीच युद्ध हुआ इसमें इब्राहिम लोदी की यहाँ पर युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो जाती है, और फिर बाबर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक हुआ जिसकी युद्ध भूमि में ही मृत्यु हुई, यानी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जिसकी युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई लड़ते हुए, वो था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर पूरी तरीके से समापन हो जाता है, दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और बाबर के द्वारा कई सारे और भी युद्ध लड़े जाते हैं, और यहाँ पर स्थापना की जाती है मुगल वंश की। तो ये हमारी क्लास आज तक हम यही यानी हम यहीं तक रखते हैं, और कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल वंश, यानी कि बाबर और बाबर के बाद फिर और भी जो शासक आए मुगल वंश के, क्योंकि मुगल वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत बेसिकली दो ही पार्ट्स में हमको पढ़नी होती है, दो ही इसके सबसे बड़े पार्ट हैं जिनको हम कह सकते हैं, एक हुआ दिल्ली सल्तनत, एक पूरा आधा एरिया कवर करता है, और फिर आधा जो बचा हुआ भाग है वो कवर करता है मुगल वंश, यानी दोनों के बारे में ही पढ़ना पूरी तरीके से मेडाइवल हिस्ट्री बन जाती है। तो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मुगल वंश के बारे में, और फिर हम हर दिन एक शासक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इनमें एक एक शासक का कई सालों तक शासन रहा, और उसके द्वारा कई सारे युद्ध, कई सारे वर्क किए गए जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि स्टैटिक के साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी बीच बीच में कवर करते रहते हैं, यानी मंथ के लास्ट में इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से रिलेटेड वो वीडियोज़ हों, या हर वीक का जो करंट अफेयर्स है वो वीकली करंट अफेयर्स में आप स्टडी कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव इन्हेंस कर सकते हैं, और बराबर अपडेटेड रह सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।